Let's start with the name of Allah, who is most gracious and merciful. Assalamu alaikum students, hopes you are all fine. Now it's time period of mathematics and we are discussing about numbers and arithmetic operations. जैसा कि बच्चों आपने देखा कि हमने लास्ट में पढ़ा था एक्सरसाइज नंबर 6 के बारे में. एक्सरसाइज नंबर 6 किसके बारे में थी? असेंडिंग ऑर्डर्स के बारे में. तो अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 7 जो कि डिसेंडिंग ऑर्डर में दी हुई है. डू यू मीन अबाउट डिसेंडिंग ऑर्डर? यस, डिसेंडिंग मीन अप टू डाउन, यानी हम जो डिजिट्स लिखेंगे, जो भी कीमत लिखेंगे, वो हम लिखेंगे ग्रेटर टू स्मॉलर में लिखेंगे, यानी पहले सबसे बड़ी लिखेंगे और फिर सबसे छोटी. तो बच्चों आज जैसा कि आप जानते हैं कि आज जो डे है वो मंडे है और डेट 16 सितंबर 2020. अपनी बुक्स वगैरह ओपन करें और इसके ऊपर पेंसिल लेके मार्क डे एंड डेट राइट करें और अपना टॉपिक लिखें. तो हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 7. अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर. फर्स्ट है हमारा जो क्वेश्चन नंबर ए है, वो है 920,116. नेक्स्ट है 612,302. नेक्स्ट है 515,212. नेक्स्ट है 412,219 और लास्ट है 313,216. अब इसके आंसर में आपने देखना है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हम डिजिट्स को अप टू डाउन्स लिखते हैं, यानी पहले बड़ा लिखते हैं ग्रेटर में, फिर उसे स्मॉल, फिर उसे स्मॉल और लास्ट में वो होता है जो सबसे स्मॉल होता है. तो जो आपको क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन में जो आपको डिजिट्स दिए गए हैं, वहाँ से आपने देखना है कि सबसे बड़े जो डिजिट्स हैं वो कौन से हैं, ग्रेटर कौन सा है, और जो ग्रेटर है वो सबसे पहले राइट करें. जो हमारा ग्रेटर दिया गया है क्वेश्चन नंबर ए में, वो है 920,116. इससे जो स्मॉल है वो है 612,302 और इससे जो स्मॉल है वो है 515,212. जो सेकंड लास्ट स्मॉल है हमारे पास डिजिट है वो है 412,219 और जो लास्ट में सबसे स्मॉल हमारे पास डिजिट्स हैं वो हैं 313,216. राइट कर लिया आपने इसका आंसर, गुड. नेक्स्ट ओपन करें, नेक्स्ट राइट करें. क्वेश्चन नंबर बी है हमारा 629,331. नेक्स्ट है 712,200. नेक्स्ट है 411,121 और नेक्स्ट है 638,500. लास्ट हमारा है 640,700. अब इसके आंसर में भी आपने, जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया है ग्रेटर टू स्मॉल, इसी तरह हमने सेकंड में भी, सेकंड जो क्वेश्चन है उसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है. तो फर्स्ट में देखें आपने क्या आएगा, कौन सा आंसर आएगा. जो सबसे आपकी जो क्वेश्चन नंबर बी में सबसे ग्रेटर जो डिजिट्स हैं उसको लिखें, वो है 712,200. उससे स्मॉल है 640,700. उससे स्मॉल है 638,500. नेक्स्ट है 629,331 और लास्ट जो हमारा स्मॉल वन है वो है 411,121. यू डन इट, गुड. नेक्स्ट हमें क्वेश्चन सी दिया गया है, उसके डिजिट्स देखिए 821,900. नेक्स्ट है 4,012. नेक्स्ट है 95,200 और नेक्स्ट हमें दिया गया है 712,100 और लास्ट में है 132,000. ठीक है, तो जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर ए और बी सॉल्व किया है, इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर सी सॉल्व करेंगे. इसके आंसर में देखें कि जो हमें क्वेश्चन नंबर सी में जो डिजिट्स ग्रेटर देन दिया गया था वो हम स्टार्ट पे लिखेंगे, यानी फर्स्ट पे आएगा सबसे ग्रेटर. तो इसका आंसर में देखें क्या है ग्रेटर देन.
821,900 और उससे जो स्मॉल है वो है 712,100। नेक्स्ट है 132,000, उससे जो स्मॉल है वो है 95,200 और जो लास्ट स्मॉल है वो है 4,412। ठीक है, इसको राइट करनी जल्दी से। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी पे आई, जो इसके डिजिट्स हमें दिए गए हैं 70,220, नेक्स्ट है 48,900, नेक्स्ट जो डिजिट्स हैं वो हैं 312,500, नेक्स्ट है 408,000 और लास्ट है 406,000। क्वेश्चन नंबर डी का आंसर देखें, जो सबसे ग्रेटर देन है वो हम सबसे पहले लिखेंगे, वो है 408,000। नेक्स्ट जो स्मॉल है वो है 406,000, उससे जो स्मॉल है वो है 312,500 और जो लास्ट स्मॉल है यानी जो हमें लास्ट सबसे स्मॉल डिजिट्स दिए हुए हैं वो है 72,220। राइट इट, गुड। लास्ट जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर ई है वो देखें, उसके डिजिट्स हमें दिए गए हैं 220,000, नेक्स्ट है 39,100, नेक्स्ट है 58,800 और नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है 232,000 और जो लास्ट हमारे पास डिजिट्स है वो है 293,000। तो इसके आंसर में आपने सबसे जो ग्रेटर देन है वो लिखना है, वो क्या है, 293,000। नेक्स्ट है 232,000, जो उससे स्मॉल है वो है 220,000, जो उससे स्मॉल है वो है 58,800 और जो लास्ट स्मॉल है वो है 39,100। डू इट, गुड। इसको देखें सारे बच्चे और जल्दी से इसको राइट कर लें। कर लिया राइट आप सबने, गुड। देखिए इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। अब आप अपनी डायरी देखें, जो आपने करनी है वो है डू प्रैक्टिस ऑफ क्लास वर्क ऑन नोटबुक, यानी जो आपको क्लास वर्क करवाया गया है उसकी प्रैक्टिस आपने नोटबुक पे करनी है, प्लस लर्न टेबल ऑफ सिक्स, इसका जो टेबल है वो आपने अच्छी तरह से याद करना है। और आपने होमवर्क करने से पहले, क्लास वर्क करने से पहले मार्जिन लाइन, डे एंड डेट वगैरह जो टॉपिक है वो पेज और पेज नंबर भी वो आपने बहुत अच्छी तरह से राइट कर लेना है। ठीक है, ओके, इट्स कैन ओवर नाउ।